इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साउंड, माना जाता है कि जो साउंड एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। 1860s में जब से माइक्रोफोन इन्वेंट हुआ है तब से इंसान के पास साउंड को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी आ गई है। जब से साउंड कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी इंसान के पास आई है तब से हम अनगिनत साउंड ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ऑडियोज हैं जिसका आंसर किसी के पास नहीं है कि उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। 1960s के समय स्पेस वॉर शुरू हो गई थी, यानी कौन जल्दी चांद पर या फिर स्पेस में जाएगा। मेनली अमेरिका और रशिया इसमें लगे हुए थे, और जिस तरह आज के समय पर इंक्रिप्शन और बाकी चीजें अवेलेबल है, उस टाइम वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ओपन फ्रीक्वेंसी के थ्रू हो रही थी जिसको कोई भी रीड कर सकता है उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वैसे आजकल सारी कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड होती है, कोई भी मिडल मैन उसको नहीं पढ़ सकता। तो उस टाइम जो अमेरिका के साथ थे वो रशिया का पढ़ते थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में ही अपना सिंपल रेडियो इक्विपमेंट लगाकर सुनते थे कि क्या हो रहा है दोनों देशों के रेडियो फ्रिक्वेंसीज में, क्या कौन कहां क्या मिशन कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको ऐसा लगता है कि जो मिशंस हुए हैं जो हमें पता है पब्लिकली वही हुए है सिर्फ, लेकिन वैसा नहीं है। ऐसी कई मिशंस कई देशों ने किया है स्पेस का जो 1960s के टाइम छुप कर की गई थी, सीक्रेटली की गई थी, जिसका कोई पीआर नहीं किया गया था, कोई मार्केटिंग नहीं किया गया था। तो लोग उस टाइम क्या करते थे कि सारे सीक्रेट्स को जानने के लिए घर में ही रेडियो इक्विपमेंट लगाकर सुनते थे अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। टर्की में दो भाई थे, आर्काइल और जियोवैनी, वो दोनों सबसे आगे थे इस चीज में एज पर लोगों का कहना। मतलब होता नहीं, कोई भी चीज, कोई भी ट्रेंड आती है तो उस ट्रेंड में एक ट्रेंड लीडर होता है जिसके चलते ही सब जानते हैं उस चीज के बारे में। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पढ़ने की जो स्टाइल लोगों के डेवलप हुई थी, घर घर में सब कोई सीक्रेटली सुनते थे कि देश लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग रशिया के सारे कम्युनिकेशंस को सुनते थे और बातों को रिकॉर्ड भी करते थे ताकि उनके पास प्रूफ रहे। एक दिन अचानक से उनके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग कैप्चर हुई जिसको सुनने के बाद उनको यकीन नहीं हुआ। रशिया ने ऐसा कोई मिशन नहीं किया था जिसमें कोई लड़की को स्पेस में भेजा गया था। तो 1960s के समय कोई लेडी जिसको कि सोवियत वाले लॉन्च किए हैं ऐसा नहीं था, ऐसा पब्लिकली कुछ भी नहीं था, फिर भी एक लड़की की आवाज आ रही थी। तो ये जब आवाज उनको सुनाई दी तो उनका टू द कोर वो शेक हो गए सुनके। ऐसा लग रहा था कि एक लड़की स्पेस से हेल्प मांग रही हो, और वो आवाज ये थी। वो लड़की रशियन में बात कर रही थी, ये रशियन लैंग्वेज है। जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये लाइंस लिख लेगी कि आई फील हॉट, आई कैन सी अ फ्लेम, आई एम गोइंग टू क्रैश, यस यस आई विल री एंटर। ये था उसका ट्रांसलेशन। मतलब पक्का अगर ये ट्रू है तो कोई ऐसा सीक्रेट मिशन हुआ था जिसमें किसी लड़की को भेजा गया था और कुछ अनहोनी हुई, और ये आवाज के बाद ही वो ट्रांसमिशन कट हो गया। 3 दिनों बाद एक खबर आती है कि एक बस के साइज का सैटेलाइट रशिया का एटमॉस्फेयर में क्रैश हो गया था। लेकिन क्रैश का न्यूज तो आया, उसमें कोई था, ह्यूमन था, ऐसी कोई बात नहीं की गई न्यूज के द्वारा। और ये कब लॉन्च हुआ था इसका भी कोई आइडिया किसी को नहीं था। आमतौर पर सारे लॉन्चेस का एक आर्काइव होता है, एक डेटा होता है कि कब क्या लॉन्च हुआ। तो ये क्रैश हुआ तो न्यूज आया कि बस का साइज का सैटेलाइट क्रैश हुआ मई 1961 में, लेकिन ये कब लॉन्च हुआ था इसको पब्लिकली रिवील नहीं किया था। और अभी के समय तक रशिया ने इस चीज के बारे में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, और ये औरत कौन थी, कहां से थी, ये आज तक अननोन है। स्पेस की चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको सज्ज किया जाता है, यानी उसमें ऐसी कैपेबिलिटी रहती है कि वो किसी भी ऑडियो वेव्स को रिकॉर्ड कर सके। 2002 में जब कसीनी सैटर्न के पास से गुजर रहा था तब उसने ये साउंड को रिकॉर्ड किया था, जो कि ऐसा लगता है किसी एलियन का साउंड है। और कोई स्टैटिक साउंड होता तो वो तो ठीक था, लेकिन इसमें जो वेव्स बन रहे हैं और ये ऑडिबल लग रहा है थोड़ा सा, ये बहुत ही अजीब था। और वो साउंड ये था। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिमाग जो है
वो कब फुल्ली डेवलप होता है। तो बहुत लोगों का ये मानना है नॉर्मली कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब जो हमारा दिमाग है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, यानी 18 साल में, लेकिन ये ट्रू नहीं है। और बहुत लोग ये मानते हैं कि टीनेज खत्म होने के बाद, यानी 18, 19, 20 खत्म होने के बाद 21 जब आता है तब फुल्ली डेवलप होता है, लेकिन नहीं, इंसान का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो 25 साल के एज के पहले फुल्ली डेवलप नहीं होता है। रिसर्चर्स में ये पाया गया है। इसका मतलब 25 साल से कम वाला व्यक्ति, उनको टेक्निकली आप मैच्योर नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि थॉट्स, एक्शंस, इन चीजों को कंट्रोल करता है, वही डेवलप नहीं हुआ होता है। रीजनिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल, इन सब चीजों के लिए ये प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी किसी भी सिचुएशन में दो चीजें हैं तो आपको क्या करना है, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, फ्रैंक रिचर्ड्स, ये इतिहास के सबसे मिस्टीरियस लोगों में से एक थे। अगर किसी कैनन के सामने इंसान को रख दिया जाए तो उसका जो इफेक्ट होगा उससे वो बहुत दूर चला जाएगा, ये नॉर्मली पाया जाता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा रहस्यमय आदमी था जो जब कैनन के सामने खड़ा होता था और कैनन से ब्लो किया जाता था तो उसके पेट में लगने के बावजूद भी उसका पेट सह लेता था। ऐसे कारनामों को वो करते थे। 50 किलो का कैनन बॉल पूरे फुल स्पीड से जब उनके पेट के पास आता था इसको भी वो सह लेते थे। उनका ये क्लेम था कि उनके पेट में एक स्पेशल टाइप का सुपर पावर है जो कि उनके पेट को इनडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। जब पहली बार पहले दिन उन्होंने अपने पेट के पावर के बारे में बताया था तो किसी को यकीन नहीं हुआ। तो लोगों ने इसी को टेस्ट करने के लिए, क्या बोल रहा है मेरा पेट इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो फिर वो कैनन को चला दिए पेट के ऊपर, लेकिन उनका पेट अमेजिंगली सह गया। और उसके बाद यही कारनामा, यही स्टंट उनका कैरियर बन गया जिससे वो पैसे कमाते थे। नेक्स्ट, हमारे दुनिया में पॉल्यूशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए विश्व भर की अलग अलग देश अलग अलग कारनामों को करती है, लेकिन चाइना ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो कि वर्ल्ड में सबसे यूनिक प्लान्स में से एक है। उन्होंने कुछ ऐसा शहर बनाने का प्लान किया है, एक ऐसा शहर जिसमें चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होंगे, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो फ्यूचरिस्टिक तो लुक वाइज होगा ही लेकिन साथ में पेड़ पौधे भी होंगे। इस शहर में अलग अलग तरह के पेड़, मिलियंस ऑफ पेड़ रहेंगे और ये फ्यूचरिस्टिक और नेचुरल का एक कॉम्बिनेशन होगा। और माना जा रहा है कि अगर पूरी दुनिया को ऐसा अगर बना दिया जाए तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो कि पेड़ों के एडिक्वेट अमाउंट में ना होने से हो रहा है, वो कम हो जाएगी। और सब चीज आपस में कनेक्टेड है एक्चुअली में। तो अगर पेड़ सही होंगे तो हवा सही मिलेगी, हवा सही मिलेगी तो लोगों का जो हेल्थ है वो जनरली अच्छा रहेगा, तो इससे पूरी दुनिया ही बेनिफिट कर पाएगी। तो चाइना ने इसी चीज पे कदम रख दिया है। नेक्स्ट, इस दुनिया में जितने भी लोगों को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, यानी शरीर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस, भले वो सपने में हो या फिर मेडिटेशन के थ्रू हो, तो ऐसे केस में बहुत लोगों का ये मानना है कि वो जो दुनिया को देखते हैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस में, वो बहुत ही अलग दुनिया होती है हमारी दुनिया से। और जितने लोगों को एक्सपीरियंस होता है उनको एक अलग दुनिया दिखती है जो हमारे ही तरह होती है, एग्जैक्टली ये वाली दुनिया नहीं दिखती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि विज्ञान का भी एक थ्योरी है, द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। द ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी इस विश्व के सबसे अमेजिंग थ्योरीज में से एक है, क्योंकि ये थ्योरी इस बात को कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करती है। जी आपने सही सुना, अगर एक रूम में मैं बैठा हूं तो इस जगह अगर ये बिल्डिंग आज मौजूद है तो फिर आज से 50 साल पहले यहाँ हो सकता है कुछ ना हो, पेड़ पौधे हो, उससे हजारों साल पहले हो सकता है यहाँ पे कोई महल हो, और भविष्य में इस जगह पर हो सकता है नेक्स्ट 100-200 साल तक ये बिल्डिंग रहे, उसके बाद फिर जंगल रहे किसी न किसी कारण के चलते, उसके बाद हजार साल बाद कुछ और रहे इसी जगह पर। तो ये जो अलग अलग सीन्स है ये वक्त से डिवाइड होती है। तो इस ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी जो है इसके हिसाब से जो जंगल है और जो भविष्य में जो यहाँ होने वाला और ये रूम, तीनों साइमल्टेनियसली ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, और वो अलग अलग डायमेंशंस की तरह होते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, लेकिन अगर ऐसे बताऊं आपको तो हर एक सेकेंड, इस जगह का हर एक सेकेंड जो बीत रहा है वो अलग अलग इंडिविजुअली एक ही साथ इसी टाइम पर एग्जिस्ट करता है और बस हम एक्सेस नहीं कर पाते। और जब किसी को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है
तब उसी प्लेन को वो एक्सेस कर सकता है, उसी गैलरी को वो एक्सेस कर पाता है जिसमें एक ही जगह का अलग अलग टाइमलाइन मौजूद होता है कि कहां से कहां, और वो किसी में भी जा सकता है, किसी को भी देख सकता है। तो विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स कंबाइंड विद द ब्लॉक थ्योरी इस बात को कहती है कि तीनों चीजें साइमल्टेनियसली ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो समय जो चीज है ये हमारे लिए बहुत भारी चीज है। अगर मैं आपको बोलूं आज से एक साल बाद आप घर के बाहर निकल पाओगे, आपको घर के अंदर ही रहना है, तो आपको घुटन क्यों होने लगेगी? क्योंकि आपका ब्रेन परसीव करता है इस बात को कि एक साल इतना समय होता है, कितना लंबा लगता है, लेकिन वो टाइम एक्चुअली में इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के लिए ये टाइम मैटर नहीं करता है। तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको एक साल ज्यादा समय लग रहा है तो मैं आपका आंख बंद करके आपको ब्लैक होल के सामने बैठ जाऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको बोलूंगा कि सुनो, अब हम ब्लैक होल के सामने हैं, आपको जो एक साल बाद घर से निकलने की बात की गई थी ये मैं आपको 5 मिनट में ही एक करा देता हूँ। तो फिर आप बोलोगे अच्छा 5 मिनट, फिर 5 मिनट बैठोगे आंख बंद करके, पानी वानी पियोगे, फिर मैं आपको धरती पर वापस लाऊंगा इसी रूम में। तो आप देखोगे कि 5 मिनट बाद ही गूगल में सर्च करोगे विच ईयर इट इज, 2024 आएगा, अगला साल। जी हाँ, आप डायरेक्टली अगले साल में पहुंच गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्लैक होल के सामने थे जहां का स्पेस बेंट रहता है और वहां पर समय धीरे चलता है। तो आपके लिए 5 मिनट धरती के लिए एक साल के बराबर होगा। ये कितनी अजीब बात है। मतलब धरती के लोग तो नॉर्मल काम कर रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, घर आ रहे होंगे, एक साल अपना जीवन का बिता दिए होंगे, लेकिन क्योंकि आप ब्लैक होल के सामने थे, आपका बॉडी का सेल धीरे धीरे एज करेगा, आपका जो समय है वो स्लो होगा, और आपके लिए 5 मिनट, आपका दिमाग जो 5 मिनट में, 5 मिनट आपको बोलूं तो कितना देर होता है 5 मिनट? 5 मिनट में आप एक वीडियो देख के खत्म कर देते हो, इतना ही देर में एक साल धरती पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो यूनिवर्स का नेचर है वो बहुत ही वियर्ड है, कुछ भी सिंपल नहीं है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसी बात को हमें बताती है कि इस यूनिवर्स का रियलिटी क्या है। आपको सही में अजीब नहीं लगता कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है? मतलब आप और हम हैं इस अनंत से खालीपन जिसका नाम है स्पेस, उसमें एक छोटा सा धरती जिस पर जीवन चल रहा है। तो ये बहुत वियर्ड लगेगा अगर आप इस चीज को डीपली देखोगे। तो आप इस बड़े से गैलेक्सी मिल्की वे के, छोटे से सौर मंडल के, छोटे से एक प्लैनेट के ऊपर, छोटे से एक घर में, एक छोटे से आप बैठे हुए हो। तो क्या है आपका साइज इस यूनिवर्स के साइज के मामले में? कुछ भी नहीं है। तो ये चीज सही में फैसिनेटिंग है कि इस यूनिवर्स का जो स्केल है वो कितना बड़ा होता है बड़े के मामले में। और अगर माइक्रोस्कोपिक चीजों के अंदर घुसे तो इसके अंदर भी एक असीमित ब्रह्मांड है। यूनिवर्स बहुत ही वियर्ड सी चीज है और विज्ञान पूरी तरह से कभी भी इसको नहीं जान सकता। इसलिए बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशन में वो फ्रीज हो जाते हैं, उनको यूनियन फील होता है। कई मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को आप सुनोगे तो वो ये कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक्चुअली में एक सपना है, एक सपना। अब ये ब्रह्मांड एक सपना है ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किए हैं उनकी माने तो ये ब्रह्मांड एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ एक चीज मौजूद है, वन। ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझाया ही नहीं जा सकता। एक चीज मौजूद है और वो वननेस ही बटा हुआ है अलग अलग चीजों के रूप में। ये पूरा ब्रह्मांड एक है असल में, और वो अलग अलग मल्टी रूप में एग्जिस्ट करता है अपने ही एंटरटेनमेंट के लिए। और यही सब चीजें क्वांटम मैकेनिक्स में भी पता चल रही है अभी के समय। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि राइस के 120,000 से भी ज्यादा वेराइटी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स। यूनिवर्स बोलते बोलते यूनिवर्स का आदत हो गया। 120,000 से ज्यादा वैरायटी चावल के एग्जिस्ट करते हैं हमारे दुनिया में, जिसमें से हम कुछ 50-100 के बारे में ही नॉर्मली जानते हैं। नेक्स्ट, हिप्पोपोटामस, ये जीव आपको बाहर से कुछ ऐसे दिखेंगे, पूरे मोटे बल्की हैवी, ये ऊपर से थुलथुल दिखते हैं, लेकिन इसका अंदर का अगर आप मसल देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली में मस्कुलर होते हैं। ये अंदर से काफी स्ट्रांग होते हैं, इनका मसल का शेप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि BMW का जो हेडक्वार्टर्स है वो कुछ ऐसा नजर आता है, इसका डिजाइन काफी यूनिक है। जो एप्पल का हेडक्वार्टर है वो कुछ ऐसा नजर आता है। फरारी का एक म्यूजियम मौजूद है दुबई में और वो कुछ ऐसा नजर आता है। नेक्स्ट,
क्या आपको पता है कि सबसे पहले जब धरती बनी थी तब धरती कुछ ऐसी दिखती थी। फॉर्मेशन के इमीडिएटली बाद धरती बहुत ही ज्यादा गर्म थी और उसमें ना वाटर था ना लैंड था प्रॉपर जिसमें कोई जीव पनप सके। उसके बाद धीरे धीरे कूलिंग हुई और वाटर H2O का फॉर्मेशन हुआ। फिर जब धीरे धीरे लैंड बना तब भी 70% ऑफ द ज्यादा एरिया पानी से भरा हुआ था, लेकिन जो लैंड बना वो कुछ ऐसा दिखता था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। और इस मैप में आप देख सकते हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे था। यह है पैंगिया का मैप, आज से मिलियंस ऑफ साल पहले जब लैंड जस्ट फॉर्म्ड ही हुआ था। इसमें आप देख सकते हो कि रशिया, USA, इंडिया यहाँ पर है। तो इंडिया असल में यहाँ पर था और चाइना कितना दूर मौजूद था, और बाद में इंडिया ऊपर आकर चाइना से अटैच हो गया। इसका मतलब मान लो उस टाइम जो दिल्ली था इंडिया का वो इस जगह होगा सेंटर में। तो ये मूव करते करते कितनी दूर आ गया अर्थ के मैप पे, इक्वेटर के नीचे मौजूद था इंडिया, यानी उस टाइम बहुत ही कोल्ड रीजन हुआ करता होगा और बाद में यही ऊपर आ गया। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि जितने भी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसमें से 70% कभी होते ही नहीं है। यानी जिन लोगों का ओवर थिंकिंग होता है माइंड में बहुत, वो लोग जो भी थिंक करते हैं उसमें से 70% कभी होता ही नहीं है। यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे विश्व में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी ओवर थिंकिंग करता है बहुत सारी चीजों को लेकर। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।